हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतीक व्यास प्राइस वबा से, और आज मेरे पास है बोला जाए गेमिंग फोन्स का फादर या बोले किंग, ऐसे जो भी आपको नाम देना है। जी हां, आप समझ रहे होंगे, ROG फोन 5, और हम करेंगे इसका गेमिंग रिव्यू। तो यार देखो, मतलब गेमिंग कैसी होगी वो सब तो बातें अभी करते हैं, लेकिन सबसे पहले हमारा जो टेम्परेचर है हम लोग वो चेक कर लेते हैं। तो आप देखोगे यार काफ़ी फ़ोन एकदम सही सा आराम से ठंडा सा है, एकदम 31 के आसपास आपको मिलेगा इसका टेम्परेचर। और जो बैटरी लेवल है वो भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ, 86 है। आप देख सकते हो, आप शुरू करते हैं हमारा गेम। तो यार ये मैंने आपको जो अभी थोड़ा सा लोडिंग होते हुए दिखाया होगा, आपको नोट किया होगा आपने कि 144 के आसपास हमें FPS तक जा रहा था। वो तो यार बड़ी ऐसे नॉर्मल सी बात है इस फ़ोन के लिए। इसमें तो FPS हो गया या फिर हीटिंग वीटिंग ये सब चीज़ें, तो मतलब ऐसा है कि चेक भी नहीं करनी चाहिए, वो वाली बात है, ठीक है। बट हम लोग सारी चीज़ें वन बाय वन करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हो आपको पूरे टाइम FPS दिखता रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग ग्राफिक्स की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राफिक्स में जाओ, देखो स्मूथ पे एक्सट्रीम, बैलेंस पे एक्सट्रीम, HD पे एक्सट्रीम, HDR पे एक्सट्रीम, और अल्ट्रा HD पे आपके पास यहाँ पर अल्ट्रा फ्रेम रेट का ऑप्शन है। और यहाँ पर आप जाके कंपेयर भी देख सकते हो 4K में और स्मूथ में आपको क्या क्या डिफरेंस रहेगा। शेडोज़ वगैरह थोड़ी ज़्यादा क्लियर रहती है एंड ऑल। वो है, हम लोग स्मूथ और एक्सट्रीम पे खेलने वाले हैं। मैं आपको ये बता दूँ कि 90 FPS, जिन मेरे दोस्तों का बोलना होगा कि 90 FPS क्यों नहीं है, तो मैं आपको ये बता दें, मेरी रिव्यू यूनिट है ये, तो इसमें थोड़ा सा मैंने मतलब अपनी साइड से सब कुछ ट्राई किया पर वो हो नहीं पाया, क्योंकि हो सकता है लॉ होगा। तो अगर जिसको 90 FPS पे देखना है मुझे कमेंट करके बताना, आपके लिए मैं वाला वीडियो अलग से बनाऊंगा। तो जब तक गेम लग रहा है यार फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको मिलता है 6.78 इंच का 144Hz स्क्रीन रिफ्रेश रेट के साथ सैमसंग एमोलेड HDR+ सर्टिफाइड डिस्प्ले। जी हाँ, यानी कि डिस्प्ले ढिंचाक रहेगा। स्नैपड्रैगन 888 प्रोसेसर इसके अंदर, जी हाँ, अभी तक स्नैपड्रैगन की साइड से सबसे अच्छा जो प्रोसेसर है वो। इसके बाद आपको इसमें 8, 12, 16, 18 GB तक की रैम ऑप्शंस मिल जाते हैं। वैसे ही 128, 256, 512 GB के स्टोरेज ऑप्शंस हैं। 6000 mAh की बैटरी है जो कि 30W की फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। 3000 की दो बैटरीज हैं इसके अंदर, और 64, 13 and 5 MP का ट्रिपल कैमरा सेटअप है। यहाँ पर जहाँ पर आगे आप देखेंगे 24 MP का कैमरा मिलेगा, और एंड्रॉयड 11 आपको इसमें मिल जाएगा। तो यार देखो, लोडेड फ़ोन है, नो डाउट, अपनी आप में एक लेगेसी है ये फ़ोन। सो देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है हमारे गेमिंग टेस्ट में। अभी जाते हैं ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग की तरफ। सो FPS का हिसाब किताब आपको यहाँ पर दिखता रहेगा लेफ्ट में ऊपर की तरफ, और अब उठाते हैं हम लोग हथियार। सो दोस्तों, आ गए हम लोग हमारी ग्राफिक्स टेस्ट करने वाली बिल्डिंग की तरफ। आपको पता है जहाँ पर आके हम लोग हमेशा हर एक गेम के या बोले हर एक फ़ोन के जो गेम है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो सबसे पहले ब्रिक टेस्ट को आप देखेंगे यार, जैसी उम्मीद थी कि यहाँ पर यार हमारे साथ ऐसा क्यों होता है, हमेशा जैसे ही हम आते हैं यहाँ पर लड़ाइयाँ होने लग जाती हैं। तो यार मैं आपको ब्रेक टेस्ट के बारे में बता रहा था कि जैसी उम्मीद थी हमें कि यार डिटेल्स तो पूरी देखने को मिलेगी। आप देखोगे लाइनिंग क्लियर है, उसके बीच की जो ब्रिक्स हैं वो भी क्लियर है, आप आराम से एक एक ब्रिक को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। और ये हमारे पास यहाँ पे स्मूथ ग्राफिक्स हैं, उस पर अगर आप यहाँ पर बैलेंस और HDR पे अगर जाके आप देखोगे, सो ये आप देखो जो डिटेल्स हैं वो पूरी एकदम से चेंज हो गई है। अभी हम लोग वापस से हमारी जो नॉर्मल सेटिंग उसके ऊपर स्विच होंगे। यहाँ पर आसपास कोई है, एक बार उसको बस मार दिया जाए। सो जैसा मैं आपको बता रहा था, तो यार देखो, जैसे हम बात कर रहे थे कि ब्रिक टेस्ट आप ले लोगे, भाई ब्रिक्स भी क्लियर है, बीच की लाइन भी क्लियर है, हमारी ये जो टिप है ये भी एकदम क्लियर है। यहाँ पर नीचे वाली ये जो वॉल होती है थोड़ी सी धुंधली ऑलरेडी होती है, लेकिन इसके बीच की जो लाइन है आप ऐसे भी क्लियर है, और ऐसे भी आप आराम से डिफ्रेंशिएट कर पाओगे। तो भाई ग्राफिक्स की जैसे हमें उम्मीद थी यार स्नैपड्रैगन 888 से भी और ROG फोन 5 से भी कि एकदम टॉप नॉच होंगे, तो वही है ऐसा। साथ में जिन दोस्तों के लिए हमेशा रहता है कि भाई जायरोस्कोप कैसा है आप बताओ, तो जितना यार मैंने टेस्ट किया है और ड्यूरिंग माय गेम प्ले आप देख सकते हो एकदम ज़बरदस्त फास्ट है। आप देखोगे कोई डिले, थोड़ा सा भी डिले नहीं है, ऐसा है आप आराम से मतलब भाई यूज़ कर सकते हो। आप देखो इसको, तो ये है जायरोस्कोप के लिए भाई कि मैंने अभी ऑलवेज ऑन करके रखा है, तो इट्स टोटली अप टू यू कि आप किस सेटिंग पे खेलते हैं। मैं जायरोस्कोप इतना ज़्यादा यूज़ करता नहीं, बट अगर आप मुझसे पूछोगे भाई जायरोस्कोप कैसा है, फास्ट है, स्लो है, डिले तो नहीं है, तो मैं बोलूँगा भाई कोई परेशानी नहीं है, आराम से हंस हंस के इसको आप यूज़ कर सकते हो।
ऐसा। तो दोस्तों एक बार स्पीकर के बारे में भी बात कर लें, अभी आपने नोट किया होगा यार कि आप कदम की आवाज़ ले लो चाहे बुलेट की आवाज़ ले लो, यार जो स्पीकर्स है ना वो भी एकदम बढ़िया है, टॉप नॉच है, आपको कोई परेशानी नहीं होगी कदम सुनने चाहे कुछ भी करना है, आप आराम से अब जैसा मैंने आपको बोला कि आप आराम से पता कर लोगे गोली कहाँ से चल रही है, और बड़ी ज़ोरदार आवाज़ आई थी तो ये भी थोड़ा वही रहता ना कि डर भी सकते हैं एकदम से ऐसा, अगर ज़्यादा यू नो शांति है तो इट्स अप टू यू, पहले ये देखते हैं गोली कहाँ से आ रही है। तो गाइस स्पीकर के बारे में जैसा मैं आपको बता रहा था कि यार काफ़ी सही है, आप बाइक का ही साउंड देखते हो जो रॉल का साउंड आता है वो कितना सही आ रहा है, सो डेफिनेटली जो साउंड इफेक्ट्स हैं वो भी आप इंजॉय तो करने वाले हो, आई होप आपको मेरी आवाज़ आ गई हो, मैं बोल रहा था कि जो साउंड इफेक्ट्स हैं आप डेफिनेटली वो इंजॉय करने वाले हो ऐसा। तो गाइस लगे हाँ तो बग्गी टेस्ट भी कर लेते हैं जिसमें हम लोग यार ग्रिड्स की बात करते हैं, और एज़ यूजुअल आप देख सकते हो जान तो काफ़ी खतरे में है लेकिन ग्रिड्स की बात कर ले एकदम क्लियर है, टायर भी आपको घूमते हुए दिख रहे हैं, तो जैसे है इसने हमारा ग्राफिक्स टेस्ट पास किया है तो मैं बोलूँगा भाई बग्गी टेस्ट भी बहुत आराम से पास कर लिया, और हमें उम्मीद भी थी क्योंकि यह स्नैपड्रैगन 888 है, ROG फ़ोन 5 है, तो गेमिंग के लिए तो एकदम यू नो बढ़िया शानदार था, फ़ोन ज़रूर पीछे से थोड़ा सा गर्म होने लगा है तो या बोले कि गर्म हो चुका है ऑलरेडी, पर यार 42 मिनट्स की गेमिंग भी तो हो गई, तो देखते हैं कि क्या अभी जितना टाइम बचा है उसमें हमें कोई परेशानी मिलती है या नहीं, अभी फाइनल वर्डिक्ट में हम लोग ये सारी बातें करते हैं। तो गाइस देखो यार 42 मिनट्स की हमने गेमिंग करी है, ऑलमोस्ट जीतने वाले थे लेकिन नहीं जीते, तो जल्दी से यार पहले एक बार मैं आपको टेम्परेचर बताता हूँ, टेम्परेचर अगर अभी आप देखोगे तो यार देखो 40.7 जो है वो हमें सबसे हाईएस्ट मिला है, तो यहाँ पर कहीं आप देख सकते हैं अभी आया था, तो यह है बैटरी के ऊपर अगर हम लोग आ जाए, जब हमने शुरू किया था तब 86 के आसपास थी, अभी 73 है जिसमें ब्राइटनेस आप देख सकते हैं हमने ऑलमोस्ट 70% के आसपास रखी थी, तो बैटरी का और टेम्परेचर का हिसाब किताब एकदम सही है। FPS पे भी अगर आप लोग आ जाएँ तो आप देखोगे यार 60 मतलब मेरे हिसाब से ना मैंने पहली बार ये भी आई थिंक 58 नोटिस किया है, बाकी तो पूरे टाइम मतलब 59-60 जा रहा था, और 90 FPS पे अगर आपको देखना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो, डेफिनेटली मैं आपके लिए वाला वीडियो भी बना दूंगा। तो अब टेम्परेचर बड़ा है नो डाउट, फ़ोन भी ऐसे गर्म है लेकिन इतना गर्म नहीं हुआ यार कि आपको ना एकदम से थोड़ा अनईजी लगे कि यार नहीं भाई फ़ोन ही नहीं पकड़ पा रहे हैं ऐसा कुछ, जो कि काफ़ी नॉर्मल है। टेम्परेचर मुश्किल से 8-9 डिग्री बढ़ा है और जिसमें मैंने कोई AC और फैन वैन कुछ भी ऑन नहीं करके रखा था, तो ये वाली चीज़ है। तो ये है यार कि देखो गेमिंग के लिए लेना या नहीं कोई क्वेश्चन ही नहीं है, आराम से लो, इवन कैमरा भी इसका काफ़ी सही सा है, डिस्प्ले आपको कोई बढ़िया है एकदम, जायरो बढ़िया काम करता है, और सबसे अच्छी बात कि आपको इसका जो साउंड है वो भी बहुत बढ़िया मिल रहा है, तो इट्स अ कंप्लीट गेमिंग फ़ोन जो कि हमेशा यार रहता ही है, वो वाली चीज़ है कि ROG अपने आप को बेस्ट गेमिंग फ़ोन बोलता है, और आई थिंक आप इसे देखोगे भी जब आप गेम खेलोगे तो आपको लगेगा। तो यार ये था मेरा सोचना यू नो ROG फ़ोन 5 के बारे में, आपको इसके और कौन से वीडियोज़ देखने हैं आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो इस प्रतीक व्यास फ्रॉम प्राइस बाबा, थैंक्स फॉर वॉचिंग।